हेलो एवरीवन वेलकम टू एम बाइव आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में आज के इस सेशन में हम लोग भारत के टॉप टेन लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं यानी कि क्षेत्रफल के लिहाज से भारत के दस सबसे बड़े नेशनल पार्क शुरुआत हम लोग करेंगे टेंथ पोजीशन से और उसके बाद हम लोग नाइन्थ एथ और इस तरीके से देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अकॉर्डिंग टू द एरिया कौन है साथ ही साथ इन नेशनल पार्क्स की लोकेशन किन राज्यों में है और ये नेशनल पार्क किस तरीके के एनिमल्स के लिए प्रसिद्ध हैं इन सब पर हम लोग करेंगे डिस्कशन तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें टेंथ पोजीशन पर जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका बनता है अकॉर्डिंग टू द एरिया ये नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क जिसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश स्टेट में कान्हा नेशनल पार्क टोटल अगर हम एरिया की बात करें क्षेत्रफल की बात करें तो 940 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया बनेगा और कान्हा नेशनल पार्क फेमस है टाइगर्स के लिए 2018 सेंसस के हिसाब से अगर मैं बात करूं टाइगर्स की संख्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है और उस समय की संख्या के लिहाज से करीब 526 टाइगर्स अकेले मध्य प्रदेश स्टेट में रहते हैं लेटेस्ट टाइगर सेंसस के हिसाब से अब हिंदुस्तान में 3167 टाइगर्स हैं तो लास्ट सेंसस जो चार साल पहले हुआ था उसके मुकाबले अब टाइगर्स की संख्या दो बढ़ गई है आगे बात करेंगे नाइन्थ पोजीशन पर जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इसका नाम है पापीकोंडा नेशनल पार्क पापीकोंडा नेशनल पार्क की लोकेशन आपको आंध्र प्रदेश स्टेट में देखने को मिलेगी और टोटल एरिया क्षेत्रफल की बात करें तो वन थाउजेंड एंड ट्वेल्व पॉइंट एट सिक्स स्क्वायर किलोमीटर ये इसका टोटल क्षेत्रफल यहां पर बनता है और इंडियन गौर एनिमल के लिए ये नेशनल पार्क फेमस है नंबर एट नंबर एट पोजिशन पर है इंद्रावती नेशनल पार्क इंद्रावती नेशनल पार्क की लोकेशन छत्तीसगढ़ स्टेट में है टोटल अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो वन स्क्वायर किलोमीटर ये इसका टोटल क्षेत्रफल यहां पर बनता है आ, ये नेशनल पार्क फेमस है वाइल्ड बफेलो और टाइगर्स के लिए नंबर सेवन नंबर सेवन पोजीशन पर जो नेशनल पार्क है इसका नाम है सुंदरबंस नेशनल पार्क सुंदरबन नेशनल पार्क की लोकेशन है आपकी वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में और टोटल अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की या एरिया की तो टोटल क्षेत्रफल है 1330.10 स्क्वायर किलोमीटर और ये नेशनल पार्क फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए नेक्स्ट सिक्स पोजीशन पर जो नेशनल पार्क आपका यहां पर बनता है इसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है इस नेशनल पार्क की लोकेशन है छत्तीसगढ़ स्टेट में और टोटल जो एरिया यहाँ पर बनता है यानी कि टोटल क्षेत्रफल जो इस नेशनल पार्क का बनता है वो है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी पॉइंट सेवन वन स्क्वायर किलोमीटर और ये फेमस है वाइल्ड बोर के लिए वाइल्ड बोर के लिए ये नेशनल पार्क आपका फेमस है नेक्स्ट वन इज पोजिशन इज फाइव तो यहाँ से हम भारत के टॉप फाइव टॉप फाइव नहीं लार्जेस्ट टॉप फाइव जो कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क बनते हैं उनका डिस्कशन भी यहां से आप शुरू कर सकते हैं Hai, area, नेशनल पार्क का नाम है भारत का पांचवा सबसे बड़ा नेशनल पार्क अकॉर्डिंग टू द एरिया यह है कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेशन इसकी बनेगी सिक्किम स्टेट में टोटल जो एरिया बनता है क्षेत्रफल बनता है वो है वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एट्टी फोर स्क्वायर किलोमीटर यह नेशनल पार्क रेड पांडास के लिए फेमस है पांडा की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं और रेड पांडा सिक्किम स्टेट का स्टेट एनिमल भी है नंबर फोर नंबर फोर्थ पोजीशन पर जो नेशनल पार्क बनेगा इसका नाम है नाम दफा नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिलेगा टोटल जो क्षेत्रफल बनता है इस नेशनल पार्क का 1807.82 स्क्वायर किलोमीटर ये इस नेशनल पार्क का टोटल क्षेत्रफल है बेसिकली ये नेशनल पार्क फ्लाइंग स्क्वायर यानी कि उड़ती हुई ग्लहरियों के लिए फेमस है ये जो चित्रा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक और हवा के बहाव में तैरती हुई क्योंकि अपनी स्किन को एजा, करती है और ऊंचे पेड़ों से नीचे पेड़ों तक ये आसानी से उड़ते हुए पहुंच जाती है नंबर थ्री पोजिशन पर जो नेशनल पार्क बनेगा अकॉर्डिंग टू द एरिया क्षेत्रफल के लिहाज से ये रहेगा गंगोत्री नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क की लोकेशन उत्तराखंड स्टेट में और उत्तराखंड स्टेट में ही गंगोत्री ग्लेशियर भी आपका मौजूद है जहाँ से गौमुख नाम के स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगा नदी ऑरिजिनेट होती है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड और इसका क्षेत्रफल बनता है थ्री टू थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर ये नेशनल पार्क लेपर्ड्स यानी कि तेंदुए और तहर के लिए फेमस है नंबर टू नंबर सेकेंड पोजीशन पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है डेजर्ट नेशनल पार्क डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान तो हिंदुस्तान में रेगिस्तान कहां है थार का रेगिस्तान आपने जरूर सुना होगा राजस्थान स्टेट में इजिली आपको लर्न करने में आसानी होगी डेजर्ट नेशनल पार्क भारत के डेजर्ट थार डेजर्ट यानी कि राजस्थान में आपका मौजूद है और इसका टोटल जो क्षेत्रफल बनता है थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी टू स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल बनेगा और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जो चिड़िया आपको यहां पर नजर आ रही है ये यहां पर काफी पॉपुलर है काफी प्रसिद्ध है दैट्स वाई कि ये जो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम की चिड़िया है ये राजस्थान स्टेट की स्टेट बर्ड भी आपकी यहां पर बनती है नंबर वन नंबर वन पोजीशन पर भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क अकॉर्डिंग टू द एरिया आपका यहां पर बनता है हेमिस नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क की लोकेशन लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है और 3,350 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये नेशनल पार्क आपका फैला हुआ है बेसिकली क्योंकि ये लद्दाख में है और लद्दाख का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होता है पहाड़ी इलाके होते हैं और पहाड़ी इलाकों पर बर्फीले एरियाज में स्नो लेपर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं हिम तेंदुए जिन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बर्फ पसंद होती है तस्वीरें आपके सामने हैं तो हेमिस नेशनल पार्क बेसिकली फेमस है स्नो लेपर्ड्स के लिए यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स की काफी बड़ी आबादी देखने को मिलती है तो इस वीडियो के माध्यम से हमने भारत के टॉप टेन लार्जेस्ट नेशनल पार्क देखे अकॉर्डिंग टू दी एरिया क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं नेशनल पार्क की लोकेशन नेशनल पार्क किस स्टेट में है किसके लिए फेमस है वगैरह वगैरह तो डेफिनेटली ये आ, वीडियो आपकी हेल्प करेगा बाकी अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी सेशंस भी आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं टाइमिंग्स यहाँ पर नोट कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ये सभी सेशंस लाइव देखने को मिलेंगे साथ ही साथ आप चाहें तो आप एम बाइव ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं ये एक ए पावर्ड एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक्स फ्री में आपको मिल जाती हैं साथ ही साथ आप इन ई बुक्स के इस्तेमाल से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक दे सकते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज भी आप आसानी से देख सकते हैं तो जरूर विजिट कीजिए साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल सेशंस की अपडेट्स और पीडीएफ के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी सेशंस के अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे तो आज के इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए एजुकेशनल स्टैटिक वीडियो के साथ आप सभी के साथ तब तक कीप एम बाइविंग वी बिलीव इन यू थैंक यू कीप एम बाइविंग